जनसभा में नहीं, बाहर जाके मैंने बात की और सभी लोगों ने कहा कि साहब 2019 में हमसे गलती हो गई, इस बार राहुल भैया को यहीं से लड़ना है और वो जीतेंगे। इस चुनौती का स्वागत करती हूँ। सर, जो 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 जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा कल यहाँ पहुँची रायबरेली में है, सांसद जो महोदय हैं वो भी और जो मंत्री हैं यहाँ से लोकल सांसद भी हैं स्मृति ईरानी जी, वो भी यहाँ का दौरा कर रही हैं। ठीक है, चैलेंज कर रही नहीं नहीं चैलेंज करना उनका लोकतांत्रिक हक बनता है, चैलेंज करने दीजिए। अब वक्त आएगा, राहुल जी अगर लड़ना चाहते हैं, CEC मंजूरी देती है तो वो लड़ेंगे, उनको उन पर निर्भर है। पर हम किसी चैलेंज से भाग नहीं रहे, हम किसी से पीछे हट नहीं रहे, हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते। आप कुछ भी देखिए, पहले दिन से प्रधानमंत्री ने धमकी की राजनीति अपनाई है, प्रतिशोध की राजनीति अपनाई है, उत्पीड़न की राजनीति अपनाई है। हम डरने वाले नहीं हैं, हमें चुप नहीं करा सकते प्रधानमंत्री और उनके मंत्री। अगर राहुल जी को लड़ना है और उन्होंने मन बना लिया है और CEC मंजूरी देती है, वो ज़रूर लड़ेंगे, हम किसी से भागने वाले। और मैं आपको ये भी कह दूँ कि आज का जो माहौल है, कई लोग, मैंने करीब 70-80 लोगों से मैंने खुद बात की, माने जनसभा में नहीं, बाहर जाके मैंने बात की और सभी लोगों ने कहा कि साहब 2019 में हमसे गलती हो गई, इस बार राहुल भैया को यहीं से लड़ना है और वो जीतेंगे। मैं चाहूँगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है उसको आज ही CEC उनकी जारी कर दे। मैं राम रमेश ने बोला है कि मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं।
मैं चाहूंगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है उसको आज ही सीईसी उनकी जारी कर दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूं। पुनः कहती हूं, क्योंकि जयराम रमेश जी ने कहा है कि हमारी चुनौती को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी तैयार है, तो आज हम सबको अमेठी के कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी जी आज सीईसी के माध्यम से ये घोषणा करा दें, क्योंकि जयराम रमेश जी ने ये हिदायत दी है कि बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के, अकेले अपने दम पे राहुल गांधी बिना वायनाड गए अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जयराम रमेश जी को बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने राहुल गांधी के कैंडिडेटर को अमेठी से घोषित कर दिया है बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के और बिना वायनाड गए। साथ जाएंगे। नहीं है, बताओ। कहीं जाते नहीं हो रही, पीछे पीछे घूम।